मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। भगवान से बड़ा कोई दुनिया में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। मेरे लिए भगवान बड़े या जनता मेरी भगवान वो बड़ी होती है। मैं दोनों के पांव पड़ने जा रहा हूँ और वो दोनों के पांव नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों पांव पड़ने से मना कर दिया, इसलिए आशीर्वाद तो बेटे को ही मिलेगा। ये मुख्यमंत्री टाइम पे हुआ, इनने एक काम भी कराया बता दें, इनका काम है लोगों को गुमराह करना, उसके अलावा कुछ नहीं। महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार करा वो नहीं बात कर रहे, जो नशा चल रहा है इनके क्षेत्रों में उसकी बात नहीं कर रहे, जो गुंडे लोग इनके साथ चल रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, जो खुद गुंडों को साथ देने वाले उसकी बात नहीं कर रहे। ये जनता को गुमराह करने की बात है, जनता इनका साथ नहीं देगी, क्योंकि जनता को मालूम है कि हमारा बेटा दुख हो या सुख हो या विकास कार्यकाल कोरोना काल में हमेशा खड़ा रहा, जो खड़ा रहता है उसके साथ रहते हैं, धर्म की यात्रा जो कराता है उसके साथ रहते हैं, जो प्यार करता है उसके साथ। हमें मैंने दुख में मेरे परिवार के जो दुख हुआ है उसके अंदर जा जाकर बैठा हूँ, परंतु इनने 20 साल के अंदर सत्ता होने के बाद आज तक कहाँ गए। कोरोना उन्होंने एक काम करा, एक टैंकर ऑक्सीजन मंगवाया था उसमें भी उन्होंने हुग्गे लगवा के केक कटवा के जनता, उसमें 80 लोगों की मृत्यु हुई थी उतनी देर के अंदर। इनने बहुत बड़ा काम करा था, एक ऑक्सीजन का टैंकर बुलवाया था उसके अंदर 80 लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि 2 घंटे तक ये और इनके विधायक लोग। बेटे तो वो भी मानते हैं आपको? बिल्कुल, बेटे मानते हैं तो बेटे की ही जीत होती जिंदगी अंदर, बाप कभी नहीं जीतता, बेटा जीतता है। विधानसभा क्रमांक 1 के कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला हमारे साथ हैं। संजय भाई, बड़े नेता हैं आपके सामने, क्या चैलेंज है? भगवान से बड़ा कोई दुनिया में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। मेरे लिए भगवान बड़े या जनता मेरी भगवान वो बड़ी होती है। मैं दोनों के पांव पड़ने जा रहा हूँ और वो दोनों के पांव नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों पांव पड़ने से मना कर दिया, इसलिए आशीर्वाद तो बेटे को ही मिलेगा, क्योंकि जो भक्त है जो भगवान के पास जाएगा उसको ही फल मिलता है। और मैं लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे मेरा परिवार मेरा साथ है, पूरी जनता मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने भी पूरा प्लान बना लिया है विधानसभा के लिए कि कितना उनको काम करना है, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, ट्रैफिक की समस्या अभी से बता दिया गया है कि ये हम विधानसभा में करने वाले हैं। जो इंसान 20 साल से लगातार सत्ता में हो, सत्ता में मुख्यमंत्री का दावेदार हो, मंत्री हो, महापौर हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, सेंटर में उनकी सरकार हो, जनता को आज भी झूठ बोल रहे हैं 20 साल में नहीं कर पाए तो वो 5 साल में क्या करेंगे। सड़कें नहीं बनवाए पाई, नर्मदा लाइन नहीं डलवाई उनने महापौर रहते हुए, कोई काम नहीं करा, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो भी काम हुआ है वो ये मुख्यमंत्री टाइम पे हुआ, इनने एक काम भी कराया बता दें, इनका काम है लोगों को गुमराह करना, उसके अलावा कुछ नहीं। महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार करा वो नहीं बात कर रहे, जो नशा चल रहा है इनके क्षेत्रों में उसकी बात नहीं कर रहे, जो गुंडे लोग इनके साथ चल रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, जो खुद गुंडों को साथ देने वाले उसकी बात नहीं कर रहे। ये जनता को गुमराह करने की बात है, जनता इनका साथ नहीं देगी, क्योंकि जनता को मालूम है कि हमारा बेटा दुख हो या सुख हो या विकास कार्यकाल कोरोना काल में हमेशा खड़ा रहा, जो खड़ा रहता है उसके साथ रहते हैं, धर्म की यात्रा जो कराता है उसके साथ रहते हैं, जो प्यार करता है उसके साथ। हमें मैंने दुख में मेरे परिवार के जो दुख हुआ है उसके अंदर जा जाकर बैठा हूँ, परंतु इनने 20 साल के अंदर सत्ता होने के बाद आज तक कहाँ गए, कहीं नहीं गए। ये तो विकास की बात कर रहे हैं, विकास में सरकार होने के बावजूद इनने कोई काम नहीं करा है, और आज नशे की बात करते हैं तो नशा करवाने वाले भी यही लोग हैं। संजय भैया, उनने तो ऐसा कहा कि काम तो कोरोना में भी मैंने बहुत किया, लेकिन ये बताने की बात नहीं होती है। तो मैं भी कहाँ बता रहा हूँ, मेरी जनता बता रही है, ये जनता को मालूम है। कोरोना उन्होंने एक काम करा, एक टैंकर ऑक्सीजन मंगवाया था उसमें भी उन्होंने हुग्गे लगवा के केक कटवा के जनता, उसमें 80 लोगों की मृत्यु हुई थी उतनी देर के अंदर। इनने बहुत बड़ा काम करा था, एक ऑक्सीजन का टैंकर बुलवाया था उसके अंदर 80 लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि 2 घंटे तक ये और इनके विधायक लोग उसकी पूजा पाठ करते रहे, उसका केक काटते रहे, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कैलाश विजयवर्गीय है। अब तो अब वो बोल रहे हैं कि अब तो इसको बड़ी विधानसभा बना दी जाएगा, इसको बहुत डेवलप कर दिया जाएगा, कुछ काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। 20 साल से इनके विधायक थे वो कुछ नहीं कर पाए, 5 साल में इस बेटे ने काम करा दिया तो इनको आना पड़ा, तो इसकी बड़ी बात कितनी बड़ी बात है कि इस विधायक ने 5 साल में कुछ करा हुआ तो आपको आना पड़ा, और जो विधायक काम करता है उसके खिलाफ आप आए हैं। परंतु जनता समझ गई है कि काम करने वाला कौन है, 20 साल में महापौर भी रहे आप, मंत्री भी रहे, परंतु विधानसभा एक में कभी आपने देखा, यहाँ पर आज भी नर्मदा लाइन नहीं है, तो आप महापौर तो जब क्यों नहीं करा, आपके विधायकों ने नहीं करा, जब आप मंत्री जब क्यों नहीं करा, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। इतने वोट से जीत रहे संजय भैया? जीत जीत होती है, जीत होगी बेटे की होगी।
ये बेटे बेटे तो वो भी मानते हैं आपको। बिल्कुल बेटे मानते हैं, तो बेटे की ही जीत होती है जिंदगी अंदर। बाप कभी नहीं जीतता, बेटा जीतता है। उन्होंने तो अपने बेटे का टिकट काट के उनको, इसीलिए तो एक बेटे उन्होंने टिकट काट दिया, एक बेटा जीतेगा। तो ये थे संजय शुक्ला, और उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जो है, मैं उनका बेटा हूँ, पर बेटा ही चुनाव जीतेगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर।